भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद अस्पताल में रो पड़ा पांड्या, फिर रोहित पर दिया इमोशनल बयान, तो ऐसे में क्या कुछ है पूरी खबर की जानकारी और क्या बोले हार्दिक पांड्या, सब कुछ बताएंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया और हार्दिक पांड्या के फैन, तो हमारी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में हार्दिक पांड्या लिखना ना भूलिएगा। बात करते हैं इस रिपोर्ट की। दरअसल वनडे वर्ल्ड कप 2023 में जहां पे कल एक अनोखा मुकाबला खेला गया भारत बनाम इंग्लैंड के बीच, इस मुकाबले में जो इंग्लैंड की टीम ने पहले टॉस जीता और बल्लेबाजी यहां पे टीम इंडिया ने करी, और टीम इंडिया जब बल्लेबाजी करने आई कप्तान रोहित शर्मा और सुमन गिल के साथ, तब यहां पे कप्तान रोहित शर्मा क्रीज पर बने हुए थे, लेकिन एक के बाद एक भारत के सभी बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन जा रहे थे और 15 ओवर में टीम इंडिया के 4 विकेट गिर चुके थे। लेकिन इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने 101 गेंदों में 87 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 3 छक्के शामिल थे, और इसी की बदौलत टीम इंडिया यहां पे 229 रन बना पाई थी 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर। इसके जवाब में जब टीम, आपको बता दें कि इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करनी होती, तो भारतीय टीम के गेंदबाजों ने एक के बाद एक इंग्लैंड के बल्लेबाजों को आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया और 100 रनों के अंतर से यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। ऐसे में यहां जब हार्दिक पांड्या दोस्तों अस्पताल में यह मुकाबला देख रहे थे, तो हार्दिक पांड्या यहां पे रो पड़े रोहित शर्मा को लेकर। उन्होंने कहा कि इस मैच में जो कमाल की वापसी करी हमारे भारतीय टीम के गेंदबाजों ने और कप्तान रोहित शर्मा ने, वो यहां पे इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा कि अगर आज मैं इस मुकाबले में होता तो शायद इस मुकाबले का रुख और ही हो सकता था, क्योंकि यहां जब टीम इंडिया को रन कम पड़े तो यहां पे रन में मार सकता था, टीम इंडिया की फिनिशिंग भूमिका निभा सकता था, और साथ ही साथ जो आज रोहित भैया ने यहां पे किया उनके लिए सलूट है, उनकी ऐसे बल्लेबाजी टीम इंडिया को चाहिए, और यहां पे रोहित भैया जैसा खिलाड़ी टीम में मौजूद है और कप्तान बहुत अच्छे हैं जो कि हर चीज में सपोर्ट करते हैं। उन्होंने मेरे को भी फोन करके कहा कि हार्दिक तू जल्दी सही हो जा, फिर यहां पे टीम इंडिया को तेरी जरूरत है, जो कि ये दिखा रहा है कि यहां पे रोहित शर्मा भैया कितने हेल्पफुल आदमी और साथ साथ बल्लेबाजी कमाल की कर रहे हैं, और यही बल्लेबाजी टीम इंडिया को चाहिए, और मैं भी जल्दी ठीक हो जाऊं तो यहां पे टीम इंडिया के साथ मिलकर हम वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी आसानी से उठा सकें। तो आपको क्या लगता है कि आपकी बार वनडे वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी टीम इंडिया उठा पाएगी या फिर नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।